hey, la 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 la, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ, तो आँखों से आँखें मिला ले जरा। जादू तेरा ऐसा कैसा है, ये कर दिया है मुझको पागल। दिन में तारे देखूं, रात को मैं धूप सेकूं, ऊपर मैं नीचे बादल। अगर कोई जीनी मुझे आकर कहे कि तीन विशेष मांग ले, तो मैं तीनों विशेष में इसी को मांगूंगी यार। मैं भी हूँ तू भी है यहाँ, तो आँखों से आके मिला लूँ जरा। Roses? I don't like them much. पर ये बंदा अगर मुझे जहर भी देगा ना, तो पिज्जा पर डाल के चुपचाप खा लूंगी। हाय हूँ तेरे प्यार में, आके निकाल नशा ये जरा। तू भी है मैं भी हूँ, आँखों से आँखें मिला लूं जरा। ला ला। क्या कर रही हो मम्मी? मैंने पहले ही बोला था संडे के दिन लेट उठेगी तो पानी डाल दूंगी। रोज जॉब की वजह से उठना पड़ता है, संडे को आप उठा देती हो। संडे मॉर्निंग हेयर ऑयल मसाज इज अ मस्ट, नहीं तो फिर रोती हुई आएगी मेरे पास। बाल टूट रहे हैं ना। अच्छा खासा सपना देख रही थी मैं। किसका? अरे बताना किसका, अपने किराएदार का ना? क्या मम्मी कुछ भी बोल रही हो, अपने हॉट किराएदार के सपने देखता है क्या कोई? सब पता है मुझे। कुछ नहीं पता आपको, आप चुपचाप मसाज करो। वैसे भी बालों की लगी पड़ी है, ज्यादा ही टूट रहे हैं आजकल। तभी तो ट्रू हेयर ऑयल मंगाया है मैंने। ये बिल्कुल नेचुरल है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। वार्म भी फील हो रहा है। अरे ऑयल हीटर के साथ आता है ना, 65 डिग्रीज पर अपने आप ऑफ हो जाता है, ताकि ओवर हीटिंग से इसके एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्ट्रॉय ना हो, जिससे इसके 13 नॉवेल हर्ब्स जैसे आमला, भृंगराज और हिबिस्कस से बालों को और स्ट्रेंथ मिलती रहे। थैंक गॉड, अब मैं और हेयर फॉल अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकती। पहले ही क्या? पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, तब लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही नाखुश रह जाओगे। मम्मी आई नो, लेकिन आजकल हैवी बॉडी ट्रेंड में ही नहीं है तो। हाँ तो क्या, लोग तो मुझे भी कहते थे कि यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल, लेकिन तेरे पापा मुझ पे ही लट्टू हुए ना, ऑल बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस। ऐसे ही तुझे भी कोई मिल जाएगा। मुझे कोई नहीं चाहिए इस समय, मैं रिलेशनशिप्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ कार्यों पे बस। सही टाइम पर सही चीज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ रिग्रेट ही रह जाते हैं। पार्टी में जा रही हूँ मैं, दरवाजा बंद कर ले। हाँ। अरे जल्दी आना। आई। यहाँ क्यों आ रहा है? Oh my God, oh shit. Okay, it's okay.
आंटी हैं क्या? हैं? आंटी जी हैं क्या? एक्चुअली कुछ काम था मुझे उनसे। नहीं, मम्मी बाहर गई है। आ, चलो कोई नहीं कोई नहीं, मैं फिर आता हूँ। बाय। वो जैसे ही आएंगी आई लेट यू नो। हाँ हाँ, यस यस। अच्छा एक सेकंड, वुड यू लाइक टू हैव समोसा? समोसा? हाँ हाँ, नहीं नो, मैं डाइट पे हूँ ना, तो ये वही चीज़ें मैं नहीं खाती, सॉरी। अरे तो एक दिन तो चलता है ना यार, और आज तो संडे है, संडे तो हर जगह चीट डे होता है। नहीं ये बोले कि समोसे बड़े टेस्टी होते हैं यार, मैं तो हफ्ते में 4-5 बार खा लेता हूँ। खाए होंगे तुमने भी, इधर ही तो है। नहीं इस तरफ है। अच्छा, यहीं कहीं है। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना डाइट पे हूँ तो समोसे पिज्जा जंक फूड नहीं खाती मैं। अच्छा हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है यार, मैं तो एक्चुअली रह नहीं सकता समोसे के बिना। सॉरी मेरी वजह से तुमको भी खाने पड़ रहे हैं। यार एक्चुअली मेरा बर्थडे भी आज। आई नो, मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है? सॉरी आई डिडंट नो यार, वीकेंड था, सारे फ्रेंड्स घर चले गए, फिर मैंने सोचा समोसे खा के खुद ही सेलिब्रेट कर लेता हूँ, फिर तुम दिख गई तो सोचा तुमसे ही पूछ लेता हूँ। लेकिन थोड़ा बुरा भी लग रहा है, मेरी वजह से तुम्हारी डाइटिंग खराब हो रही है यार। नहीं एक काम करते हैं, अकेले खा लूंगा घर पे। नहीं रुको ना, तुम खाओ मैं आई, एक मिनट। सॉरी यार कल थोड़ी पेस्ट्री खा गई थी मैं, लेकिन जूटी नहीं है, तुम खा सकते हो, दूसरी स्पून से खाई थी मैंने, बहुत टेस्टी है, तुम खाओ ना प्लीज। ओके खाओ ना। मेरे बर्थडे ने तुम्हारी डाइटिंग की बैंड बजा दी ना। आज चीट डे है ना, और वैसे भी ऐसे मौके रोज रोज थोड़ी मिलते हैं। वैसे मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ यहाँ, हमने इस तरह पहले कभी बात क्यों नहीं करी? मुझे लगता था तुम उन टाइप के लड़कों में से हो जो सिर्फ हेल्दी खाना खाते हो, लीन बॉडी प्रेफर करते हो, और सिर्फ हॉट लड़कियों से बात करते हो। क्या ये कहाँ से आया? तुम्हें देख के लगता है। पहली बात तो ऐसा है नहीं, ठीक है, और दूसरा अगर ऐसा था भी तो तुम भी तो इतनी हॉट हो, तुमसे तो मैंने कभी बात नहीं करी पहले। वैसे पता मुझे भी ये लगता था कि तुम्हें भी थोड़े वैसे फिट हट्टे कट्टे जिम जाने वाले लड़के पसंद आते होंगे। तभी तो मैंने तुमसे कभी बात नहीं करी। स्ट्रेंज है ना, हम दोनों के फियर्स नहीं, हमें कभी एक दूसरे से बात ही नहीं करने दी। तुम्हें मम्मी से क्या काम था? मेरा ना रेंट अग्रीमेंट पूरा हो गया, तो मैं एक्चुअली अपने ऑफिस के पास शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ, तो आंटी को नोटिस देना आया था।
So you're going? Yes. ठीक है. What happened? थोड़ा काम था, भूल गई थी मैं. Sorry. नमस्ते आंटी. नमस्ते. मम्मी ये शिफ्ट हो रहे हैं, आपको नोटिस देने आया, आप एक बार बात करो. कब जा रहे हो बेटा? बस आंटी वही सोच रहा हूँ, ये लास्ट मंथ करके फिर चला जाऊँ. लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ एक्चुअली अभी भी ना. हाँ, क्योंकि एयर बहुत क्लीन है यहाँ पे, पॉल्यूशन भी कम है, फिर आपने वो पेड़ भी लगाए हैं, ग्रीनरी भी बहुत है यहाँ पे. लेकिन ये पेड़ तो कल ही लगाए हैं, अभी तो काफ़ी छोटे हैं. हाँ आंटी, मैं पानी दूंगा ना, लेकिन आंटी तो जल्दी बड़े हो जाएंगे. हाँ, और एक्चुअली ना आप लोग के साथ दिल भी लग गया है, फील्स लाइक फैमिली. तो वही सोच रहा हूँ रुक ही जाऊँ क्या. चलो रुक ही जाता हूँ. ठीक है. कैंसिल नोटिस. रुक ही जाता हूँ. अच्छा ठीक है आंटी. ओके आंटी. नमस्ते. एयर क्लीन तो है वैसे यहाँ पे, पूरे ऑफिस के वहाँ बहुत पॉल्यूशन है. चलो मैं फिर चलता हूँ, मेरे को थोड़ा काम है. तुम्हें तो कुछ काम था, तुम जा रही थी. बाय बाय बाय. रोहन. हाँ. कल भोले के समोसे खाने चलोगे मेरे साथ, इफ यू आर नॉट बिजी? सोच के बताऊँ है ना, नंबर ले लेता हूँ तुम्हारा, बता दूंगा. मैसेज कर. अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना. एंड गाइस, क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू गेट 25% ऑफ ऑन ट्रू हेयर. इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट आयुर्वेदिक ऑयल व्हिच इज कंप्लीटली नेचुरल, कंप्लीटली केमिकल फ्री एंड कम्स विद अ हीटर. इससे ऑयल प्रॉपर टेम्परेचर पर वार्म होता है व्हिच स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन टू द हेयर एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन्स हेयर रूट. एंड फॉर एवरी परचेज यू मेक ऑन द ट्रू हेयर वेबसाइट, 5% गोज टू रूरल गर्ल्स एजुकेशन. तो अगर ऐसे वीडियोस और देखने हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आर वी सी जे.